अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप लोग? मेरी YouTube फैमिली कैसी है? मैं तो ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आज मेरा जो ब्लॉग है ना, मेरी YouTube फैमिली की एक सिस्टर है सतारा यासीन, उसके लिए मैं बना रही हूँ। उसका ये मसला है भी, उसके लिए ना लोग ख़िलाफ़ वीडियो बना रहे हैं। तो यकीन करें, ख़िलाफ़ वीडियो बनाए तो दुख ना हो उसके। अब ना यकीन करें, ज़बान नहीं जेब दे रही, पे क्या करूं आप लोग। मैं वॉइस मैसेज में देख मतलब छोड़ूंगी उसकी। इतनी गलत पिक्स बनाई गई और सबको उसकी पिक्स सेंड कर दी गई, तो कितनी गलत बात है। गलत बात ये है कि हम सब यूट्यूबर हैं, अपनी अपनी परेशानियों के लिए, मजबूरियों के लिए हम लोगों ने चैनल बनाए हुए हैं। उसने भी अपनी परेशानी के लिए बनाया है, अपने बच्चों के लिए बनाया है, अपने मतलब घर के लिए बनाया। तो आप लोग उसको जीने दें। अगर वो बता ही दिया उसने भी मेरे हस्बैंड ने ये किया वो किया, तो उसने गलत कर दिया। अभी आप लोगों के साथ अपनी फीलिंग शेयर की तो आप लोग उसके पीछे ही लग गए। उसको वो फेमस हो गई, अल्लाह ने उसको इज्जत दे दी। तो आप अल्लाह ने उसको इज्जत दे दी मतलब, तो आप लोग उसकी जिल्लत पे उतर आए हो। ताकि हम इसी तरह नहीं, इस तरह इसको जलील करते हैं। आप लोगों का कैसे जमीर इजाजत दे देता है आप लोग भी किसी औरत के ख़िलाफ़ या उसकी एडिटिंग करके वीडियो बनाएं या पिक्स बनाएं, फिर उनको उसको किसी एक मतलब हमारा प्लेटफॉर्म है उस पर शेयर कर दें, ताकि उसके वो उसके बच्चे हैं, उसका मियाँ है, उसके भाई हैं। मैंने उसको भाई को रोते हुए देखा है सुबह, उसकी बहन की वीडियो देखी वो रो रही थी। इस तरह नहीं करना चाहिए। मैंने इसलिए वीडियो बनाई है ताकि हम भी कल को हमारे ख़िलाफ़ कोई वीडियो बनाए तो हम एक दूसरे की आवाज़ तो बन सके, तो आप लोग भी एक दूसरे की आवाज़ बने, ताकि कोई दूसरा इस तरह उसको सजा मिल सके जो किसी के खिलाफ वीडियो बनाते हैं। ताकि इस तरह नहीं होना चाहिए। इंडियन यूट्यूबर लानते भेज रहे हैं, कहते हैं भाई आप लोग अब मुसलमान लड़की के इस तरह बेइज्जती करते हो, आप लोग कैसे कर सकते हो, हमारे तो नहीं इस तरह करते, हम भी यूट्यूबर हैं। तो वो इंडियन यूट्यूबर हैं, वो अपनी बीवियों को साथ उसने रखा हुआ है दोनों को, वो इतने अच्छे ब्लॉग बनाते हैं, तो वो उनके मैंने तो नहीं देखा खिलाफ लोग इस तरह बातें करते। तो ये क्यों कर रहे हैं? अगर वो अपना काम कर रही है उसको करने दें। अगर वो किसी को शॉर्ट आउट नहीं देती तो उसकी मर्जी, किसी को देती है तो उसकी मर्जी, वो किसी के मैसेज का जवाब देती है तो उसकी मतलब, इस तरह ना करें भी उसके। यकीन करें, वो वॉइस मैसेज सुनिएगा आप आगे जाके। मैं वीडियो के एंड पे वो वॉइस मैसेज सारे दूंगी। तो अब सजा तो होगी, पता नहीं उसने सतारा के दिल बहुत बुरा हुआ। वो बेचारी इतना रो रही थी उस दिन, मैंने देखी उसकी वीडियो में, जो बड़ा बड़ी शर्म आ रही थी भी कैसे लोग कर सकते हैं। वो FIL वालों के पास गई, अपने हस्बैंड के पास, वो 2-3 दिन से टॉपिक छिड़ा हुआ था। अभी सतारा यासीन FIA वालों के पास गई है, FIA वालों के पास गई है, तो उसने दरख्वास्त दे दी है। तो मुझे समझ नहीं आ रही थी कि ये क्यों गई है। मुझे ये तो समझ आ गई थी कि ये कोई सीरियस मसला ही है। तो अब जाके ना आज सुबह ही मुझे पता चला, और मैंने उसकी वीडियो, उसने अपनी वीडियो पर नहीं बताया, तो सारे टॉपिक सामने आ गए भी इसलिए गई है। तो यार ना किया करें इस तरह। हम लोग सारी औरतें, मैं मर्दों से ज़्यादा औरतों ने चैनल बनाए हुए हैं, तो मुझे नहीं लगता कोई औरत जो घरेलू औरत है ना कोई बुरा काम कर रही है। व्लॉग बना रहे हैं जिस तरह हम सिंपल बना रहे हैं, हम भी बना रहे हैं। कभी खाने के बना रहे हैं, कभी किसी बाहर जाके बना रहे हैं, घर में बना रहे हैं, इज्जत से बना रहे हैं। तो ये जो एडिटिंग कर लेते हैं ना, किसी का फेस लगा लेते हैं, किसी की बाजू लगा लेते हैं, किसी की टांग लगा लेते हैं, खुदा के लिए ना किया करें। अगर अल्लाह ने आप लोगों को पूरा दिमाग दिया ना, तो वो सही जगह पर इस्तेमाल करें, तो शर्म करें, इस तरह का काम ना करें। तो चले आगे जाके ना अपना चैनल ग्रो करने के लिए, व्यूज लेने के लिए इस तरह के गलत काम ना करें। आगे जाके देखें, मैंने वॉइस मैसेज छोड़े हैं प्लीज़, तो सारे सतारा की आवाज बने। नहीं नहीं डिलीट क्यों होगा, कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि आप किसी की वीडियो तो नहीं ना कोई गंदी चला रही, या आपको ब्लैकमेल तो नहीं ना खा रही। आपको तो जस्ट आपने रिपोर्टिंग करनी है ना, आपका चैनल रिव्यूज का आपने, यानी जब उसकी पिक भी जो है वो, यानी मेन पार्ट थोड़े से ब्लर खा देने, आपने तो ये कहना जनाब ये लोगों को लूट रही थी, लोगों का पैसा खा रही थी, ठीक है। आप इस एंगल में तो नहीं ना कह रहे कि जी मेरे साथ जी फंसी हुई थी तो मैं आज इसको एक्सपोज कर रहा हूँ, वो और मामला होता है। इसमें हमारे तक विक्टिम पहुंचा, उसने कहा जी ये इस तरह इसने मेरे पैसे देने हैं, ये इस तरह फ्रॉड किया इसने मेरे साथ, तो हमने रख दिया लोगों के सामने, और क्या है, केस झूठा करा सकता है जी, मुझे डीफेम कर रहा है। पाकिस्तान का जो कानून है आपको पता ही है, वो तो किसी पे वैसे केस बनाना हो बन जाता है।
वो तो मेरे में किसी भी आप वैसे रिव्यू दो ना उसके कंटेंट पे, तो वो तब भी जाके आपके केस झूठा करा सकता है। ये मुझे डी फेम कर रहा है, कानून शोन का इधर सिस्टम नहीं है। आ लेना ठीक है, हाँ वीडियो को अनलिस्टेड आप रखना, पहले मुझे ना दिखा लेना ठीक है। आप ऐसे करना ना, आप अभी आज जोन सा जस्ट थंबनेल पे उसकी ये फोटो लगाना, थोड़ी ब्लर करके चीजें नीचे सारी फोटो ना ब्लर कर देना, सिर्फ पार्ट्स को थोड़ा थोड़ा ब्लर करना। वीडियो के अंदर आज प्रूफ ना आप दिखाओ, आप सिर्फ ये बोलो कि मैं सितारा की जोन सा ना कल आपके सामने वीडियो लेके आ रही हूँ, इसके कच्चा चट्टा खोल दूंगी कि ये औरत पहले क्या कर रही थी और इसने ये लोगों को कैसे लूट रही थी, कैसे पैसा कमा रही थी ठीक है। जिस बंदे को, जिन लोगों को इसने लूटा है, उनसे पैसा खाया है, वो हमारे पास सबूत पहुंच गए हैं। तो आप बोलना मेरे पास सबूत पहुंच गए हैं, वो कल वाली वीडियो में आप हर चीज आपके सामने आ जाएगी। यानी आज जस्ट ना नोटिस की वीडियो बनाए आप, उससे क्या होगा डबल आपकी बन जाएगी ना इस टॉपिक पे वीडियो। तो कल जोर से ना आप फिर सबूत के साथ सारे सबूत दिखाना, ये देख लीजिए ये सबूत है। हाँ थंबनेल ऐसा बनाइएगा कि सही पढ़ने हो, अक्सर आप ना रेड रेड कलर ना यूज किया करें राइटिंग के लिए थंबनेल पे, वो सही व्हाइट बैकग्राउंड पे ऊपर रेड कलर की राइटिंग करना या व्हाइट बैकग्राउंड पे ब्लैक कलर की राइटिंग करना, ये यानी बहुत अट्रैक्टिंग हो जाता है, सही बंदे दूर से नजर आता है कि क्या लिखा हुआ है। यानी बैकग्राउंड अपना ना या व्हाइट होना चाहिए या ब्लैक होना चाहिए, व्हाइट ज्यादा बेस्ट होता है, और कोई कलर ना किया कर। मैं भी यही सोच रहा हूँ कि क्या लिखना चाहिए, और उसके नीचे छोटा सा लिखना चाहिए फ्रॉड माफिया ठीक है। जी बिल्कुल, वीडियो में कुछ भी ना दिखाएं आप।